इस समय हम मीनारा मस्जिद भिंडी बाजार में खड़े हैं, जहाँ पे कि आप देख सकते हो हमारे पीछे जो है सेवा एनजीओ के द्वारा यहाँ पे कई सालों से एक स्टेज बना जा रहा है, जिसका के मकसद है कि यहाँ पे जो जनता आती है, चाहे वो मुंबई की हो या देश के किसी भी कोने से खरीदारी करने के लिए, बड़ी संख्या में यहाँ पे परिवार के लोग आते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, उनकी सुविधाओं के लिए कई सालों से यहाँ पे जो है इस तरीके का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि आने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी किस्म की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ में इस समय जो है एनजीओ के सर्वे शर्मा हैं, जो अध्यक्ष हैं एनजीओ के, अमीन पारिक जी। अमीन पारिक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर आप कितने सालों से यहाँ पे इस तरीके का पंडाल का इंतजाम कर रहे हैं लोगों की सेवाओं के लिए? तकरीबन 17 साल से हम लोग ये इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि पहले किसी टाइम पे 17 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं रहता था, ये स्टेज कुछ नहीं रहता था और बहुत अफरा तफरी होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने कहा, सीनियर साहब ने, कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो हमारी संस्था जो सेवा है, जिसके चेयरमैन यूसुफ अफरानी साहब है, वो उस वक्त यहाँ लोकल कॉरपोरेटर भी थे, तो हम सब लोग मिल के ये स्टेज शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से कंटिन्यू है। सिर्फ कोविड में बंद हुआ था 2 साल, बाकी हमारे पास सब परमिशन है और लीगली हम लोग हर साल लोगों की मदद करते हैं। कोई घूम जाता है, कोई किसी का पिक पॉकेट होता है, किसी को तकलीफ होती है, तो यहाँ आके कॉन्टेक्ट करते हैं और हम लोग उनको उनके पेरेंट्स तक पहुँचाते हैं। अमीन पारिक जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा लोगों की सुविधाओं के लिए आप लोगों ने इसकी शुरुआत की, तो सर क्या क्या समस्याएं जो है इस दौरान आपके सामने आती रही है? ज़्यादा समस्या तो नहीं है, सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सालों से चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चे घूम जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और मोस्टली ये नाखुदा मुल्ला साइड पे पिक पॉकेट बहुत होती है, और अंदर की तरफ आज तो मैं समझता हूँ 10% भीड़ है। कल आपने देखा था क्या हालत थी अंदर की, तो वो पिक पॉकेटर लोग को और जो एंटी सोशल होते हैं वो पिक पॉकेटर के हिसाब से आते हैं, वो उस पर हम लोग पुलिस वाले ध्यान रखते हैं उनको। सर मैं ये जानने भी लगे हुए सब जगह पे, तकरीबन देखो वहाँ पे पूरा सेटअप है, पूरे कैमरे लगे हुए, तो वो उनका भी डर रहता है, चोर लोग को चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से पूरी मस्तैदी है, हमारी मोहल्ला कमेटी में 25 साल से मोहल्ला कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ला कमेटी की सक्षम है। अदनान, आप युवा हो, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अदनान ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो मेडिकल की किसी किस्म की सुविधाओं का भी इंतजाम किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? नहीं, अभी फिलहाल तो मेडिकल की सुविधा ऑन स्पॉट अवेलेबल नहीं है, बट उसका प्रोविजन कर हम अगले साल से करने का प्लानिंग किया हमने, तो आगे इस चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए और भी चीज़ें करेंगे। बट हमारा कोऑर्डिनेशन, आप जानते होंगे कि पापा जे बोर्ड में मेंबर हैं, तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो हमारे लोग हैं यहाँ पे, राजू भाई है, डैडी है, इमरान भाई है, सब अवेलेबल रहते हैं पूरा टाइम। तो जब भी ऐसा कुछ इशू होता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई बच्चा खो गया या कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक गिर गई, कुछ हो गया, तो सब ये हमारे लोग हैं, सब पहुँच जाते हैं और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उसको सॉल्व कर लेते हैं। सर मैं आपसे जानना, राजू भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजू भाई जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लोगों की सेवाओं के लिए हमेशा आप सतर्क रहते हैं, सर यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चे भी आती है, तो क्या आपकी एनजीओ से महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो कि ऐसी महिलाओं को जो पुरुषों के सामने खुल के बात नहीं कर सकती है महिलाएं? मैं वही बोलने आया था, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मेन, सबसे मेन बात है, यहाँ लेडीज बैठती है, किसी लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम होती तो लेडीज हाजिर है इधर। केस तो है वॉलेंटियर, लेकिन कम से कम 8-10 लेडीज ये सेवा के पोस्ट पे हमेशा बैठी रहती है, कोई लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो उसके लिए हाजिर है। लेडीज के लिए बहुत, मतलब ये आसरा है, कहीं भी आपको लेडीज वॉलेंटियर नहीं मिलेगी, सिर्फ सेवा में मिलेगी। जी सर, आपके क्या पहल से हम लोग, अभी एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है कि बहुत से लोग औरतों को फीडिंग का प्रॉब्लम होता था, तो हमारी अस्मा लकड़ा वाला एक हमारी मेंबर है मोहल्ला कमेटी की, उन्होंने मोहल्ला कमेटी में ये प्रपोजल रखा था कि फीडिंग प्लेस भी होना चाहिए, तो इंशाल्लाह इस साल से हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अमीन पारिक जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, इस साल हर साल के मुकाबले आपको क्या लगता है कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं खरीदारी? बढ़ रहे, हर साल बढ़ रहे, माशाल्लाह हमारा मीनारा मस्जिद का नाम इतना फेमस है मोहम्मद अली रोड का, लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग उसको खाओ गली बहते हैं। तो हमारे दोस्तों ने एक बोर्ड भी लगाया यहाँ पे, देखेंगे अभी तो निकल गए बोर्ड, कि इसको खाओ गली मत बोलिए, मीनारा मस्जिद बोलिए या मोहम्मद अली रोड बोलिए। और हम आप भी थोड़ा भी हम लोग कह रहे हैं कि ये खाओ गली मत बोलिए, इसको मोहम्मद अली रोड, इतना बड़ा नाम है मोहम्मद अली रोड, मीनारा मस्जिद,
तो उसको खाओ गली बोल के उसका इंसल्ट मत कीजिए। ये यूसुफ जी, आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय से आप इस इलाके में रह रहे हैं। सर, यहाँ पे वैसे ही आबादी ज़्यादा है, बाहर से भी रमज़ान के महीने में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो सर क्या चुनौतियाँ होती है? चुनौतियाँ तो ऐसा है, पहली बात तो ये कि आज हर जगह अपने अपने इस तरह के सारे मार्केट खुल चुके हैं, चाहे मलाड मालोनी हो, कुरला हो, जितने अपने जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग जो है, जो छुट्टी का दिन था कल, आपने देखा था कितना रश था, आज भी देखिए माशाल्लाह कितना रश है। यहाँ पर आके कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर सस्ता चीज़ मिलती है, तो थोड़ी मतलब उनके हिसाब से अच्छी चीज़ मिल जाती है, और सारे बहुत सारी वेराइटीज मिलती है, वेराइटीज़ मिलती है, इसके लिए लोग जो है यहाँ पर आते हैं, इसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मतलब अपने यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, और यहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है। आपने खुद महसूस किया होगा, आप खाने से लेके पहनने तक का हर चीज़ सब टोटल क्या। और इसीलिए जो है यहाँ पर हमारे अमीन भाई जो है पिछले 17-18 साल से काम करते हैं, हमारी भाभी भी साथ में रहती है, बच्चे रहते हैं, क्या समझे, राजू भाई की सरपरस्ती है, अमीन भाई, सबसे बड़ी बात हमारे यूसुफ अबरानी साहब है और अमीन पटेल साहब है, उनकी सरपरस्ती में हम लोग यहाँ सब ये सारे लोग जो अपना काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चा घूम गया। अभी आपने सुना, जैसे आवाज़ सुनी, और तो कुछ प्रॉब्लम होता था, हमारी बहनें भाभी यहाँ पर, उन लोग जैसे बच्चों को दूध पिलाना है, कुछ भी मतलब औरतों के 10 मसले हैं, कोई मसला है तो वो ये लोग जो है अच्छी तरह से बात भी कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सुना सभी प्रकार से यहाँ पे सभी लोगों की जो है पूरी तरीके से मदद की जाती है। मेरे साथ में यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो इस एनजीओ से जुड़ी हुई है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पुरुषों से तो हमने जान लिया कि यहाँ का माहौल क्या है, मगर महिलाओं की जुबानी जानना चाहूँगा। मैम, आप बताइए मैम, कि जिस तरीके से आप एक महिला है, महिलाओं को काफ़ी सारी समस्याएँ होती है, शौचालयों की समस्या होती है, बच्चों को मिल्क फीडिंग की समस्याएँ होती है, तो उनको लेकर के किस तरीके से आप लोग सहायता करते हैं उन लोगों? यहाँ पे पीछे जो है बूथ के अंदर एक फैसिलिटी है, कॉर्नर बना हुआ है, अगर किसी को जैसे दूध पिलाना है या बच्चा है, फीडिंग है, तो वो लोगों के वहाँ मसले हल हो जाते हैं। और प्लस लेडीज़ इसीलिए हमारी रहती है यहाँ पर कि वो लोग औरतों को मसले समझ सकती है, इसलिए उन लोगों की हेल्प करती है। जैसे कि देखा जाता है अक्सर कर मुंबई को कहा जाता है ये रात में जागती है दिन में सोती है, तो यहाँ पे खास कर मैं अगर इस इलाके की बात करूँ, भिंडी बाजार या मीनारा मस्जिद की, तो यहाँ पे अक्सर कर रात में ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, तो मैम आपकी एनजीओ क्या पूरी रात महिलाएं इसी तरीके से सेवा में रहती हैं? सारी रात तो नहीं रह सकती, क्योंकि उनकी अपनी भी ज़रूरतें और उनकी भी परिवार है, फैमिली है, उनको भी घर के काम करने होते हैं, तो 10x10 करती रहती है, हाँ, जितना हो सके उतना अपना योगदान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रुकेंगे ऐसे। जी मैम, अच्छा आपने ही ये पहल की है फीडिंग के लिए बच्चों की? हाँ, कम्युनिटी में मैंने ये प्रपोजल दिया था और उस पर 15 दिन से जब अमीन भाई ने देखे कि अभी तक का कोई रिजल्ट नहीं है, बिकॉज कैसा है कि यहाँ पे ऑलरेडी सब बुक है, हर एक जगह हर एक कोना सब बुक है, उसमें ना मतलब जो इम्पोर्टेंस है ना वो चीज़ को नहीं होता है, इसके लिए मेरा ये एक मुहिम था और आगे भी लोगों ने अभी ये चीज़ देख के आगे भी लोगों ने आगे बढ़े कि हम लोग को बोलना था, हम सपोर्ट करते थे। मैं मतलब नहीं ठीक है, अभी तो अमीन भाई ने फर्स्ट उन्होंने पहल की है कि आप इधर हमारे स्टेज पे, सेवा का जो स्टेज है वहाँ पे आप एक कॉर्नर में, क्योंकि थोड़ा सी बूट तो नहीं बनाएंगे, कर्टन टाइप बना के रखेंगे, तो उससे क्या हमको हमारा कॉज पूरा करना है, हमको ये नहीं है कि उसका चर्चा हो, या हमको हमारा साफ नीयत से एक कॉज पूरा करना है, तो उसके लिए माशाल्लाह फर्स्ट थिंग हमने ना आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए, ये हमने पाइदुनी पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई को हमने ये एप्लीकेशन दिए थे और 6 मार्च को दिए थे हमने एप्लीकेशन। उसके बाद में उन्होंने भी बहुत ट्राई किए, बट कैसा है ना, कहीं कहीं पॉलिटिक्स का प्रेशर आता है, और अभी आप पकड़िए, ये हमारा फीडिंग सेंटर बन रहा है, ये तो एक सैंपल है, क्योंकि आज होली की वजह से कुछ प्रॉपर हो नहीं सका। एक एक ऐसा है कि सेवा और जफीरा फाउंडेशन मिलके ये एक मुहिम चालू करे है, मतलब कॉन्सेप्ट जफीरा फाउंडेशन का है, लेकिन सपोर्ट सेवा ने हमारे को किए है कि आप इधर से हमारे सेट से चालू करिए। जैसे कि आपने सुना कि मुहिम इन्होंने जो है शुरू कर ली है, जिस तरीके से इनका कहना है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है असुविधाएं जनता को ना हो, जो यहाँ आती है खरीदारी करने के लिए, ये खान पान का सेवन करने के लिए,
उनके लिए जो है यहाँ पे पुख्ता इंतजाम सेवा द्वारा किया गया है, अमीन पारिक द्वारा किया गया है। हम चाहेंगे इसी तरीके की सेवाएं जो है वो आगे भी जनता के देते रहें, ताकि इनकी सेवाओं का जनता पूरा पूरा लाभ उठाते रहे। कैमरामैन लुधियान के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।